चलना। कित्थे जावांगे बोलिए, यही तो है हमारा सब कुछ। घर नहीं बसाएगी इस गंदगी से कहीं दूर? आप भी ना बड़े बुद्धू हैं। यही तो है हमारा कार। अच्छा नहीं लगता मुझको ये बस। कि रोज रात को कोई ना कोई तेरे कमरे में, सारी सारी रात। हाँ जी, पर उन लोगों को तुसी तो लेके आंदे हो। हाँ पता है, तो और कर भी क्या सकता हूँ। बेगम जान का इतना सारा उधार है मुझ पर और इतना सब कुछ किया मेरे लिए, तो मेरा भी तो कोई फर्ज बन। सलत अल्लाह हूं तो क्या लव भी नहीं कर सकता की किया तुसी? की नहीं कर सकते लव? अरे इसमें हंसने की क्या बात है? अच्छा अच्छा, हुन अंग्रेजी में फरमाइए। अरे क्या, अब कुछ नहीं हट। अरे बोलिए ना, बोलिए ना। आई लव यू। I love you. Hi, mera didda. ए सुजीते, की जनानियों दी तरह रो रही है? हाँ चोट डाली राज, सला कोई भी आता मेरे रूबी के ऊपर चढ़ जाता है, देखना एक ना एक दिन सबको काट दूंगा मैं। क्या क्या हुआ? एक ही है जाती जिसे माँ बच्चे नु दूध पिलांदी है, मांस का टुकड़ा है बस। है की है फर्ज, जैसे सर नाक हाथ पैर खाल सुजीते, सिर्फ खाल। अम्मा कहती है ना, जैसे उनके गीता में लिखा हुआ है, पुराने कपड़े जैसा रोज उतार के फेंकते हैं। है कि एगी रूबी सुजीती रूबी, और कहीं भी रुबीना नहीं है, बस यही है। ये सरकारी फरमान है, एक दिल्ली से दूसरा कराची से। बाउंड्री कमीशन एक्ट नाम से एक कानून बना है जिसके तहत हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर बनना तय हुआ है। बॉर्डर का मतलब समझती है ना आप? सरहद, कांटों वाली तार खिंचेगी दोनों मुल्कों के बीच। और इस अफसोस बेगम जान, रेडक्लिफ साहब की ये लाइन, ये कांटों वाली तार आपके इस कोठे के बीचों बीच ही निकलेगी। अब आप समझी कि हम रुकिए 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 रुकिए, आप दोनों की इस चूतिए तार की बात जरा समझ लेने दीजिए। यानी इस ड्योड़ी के उस तरफ, वो वहां जहां रूबीनार
रानी लाडली खड़ी हैं, वो हिंदुस्तान, और इस तरफ जहां अंबा मैना अम्मा खड़ी है वो पाकिस्तान। हाँ हाँ जी हाँ, ये लीजिए पढ़ लीजिए, पढ़ना आता है? क्या हुआ? पता नहीं जनाब क्या हुआ। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? अफसर साहब, आपके रैटक्लिफ साहब तो कसाई निकले, वो भी नौसिखिए, देश के टुकड़े करने ही थे तो जरा नजाकत से करते, ये कांट छांट से तो अच्छा अपने रहीम मियां बकरा काटते। बोलो चाप, बोलो तो चाप, रान मांगो तो रान, गुर्दा तो गुर्दा, कलेजा तो कलेजा, ये बीच में से बेगम जान, के। मुझे लगता है कि आप इस बात की संजीदगी से वाकिफ नहीं हैं, इसलिए बात मैं दोबारा समझाता हूं। अगले महीने से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर तार खींचने का काम हम शुरू करेंगे। इस लकीर से लगे हुए शहर यानी दोरंगला और शक्करगढ़ के हिंदुओं और मुसलमानों को नसीहत भी दी जाएगी कि वो बॉर्डर को पार कर जाएं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों के वारदात से ये बात जाहिर है कि पाकिस्तान में हिंदू और हिंदुस्तान में मुसलमान महफूज नहीं है। और ठीक इस जगह पर जहां पर हम लोग खड़े हैं, यहां पर एक बॉर्डर चेक पोस्ट बनने वाला है, जहां पर जान माल आदमी जानवर सब सरहद पार करेंगे, और हिंदू और मुसलमानों में दंगे भी हो सकते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप लोग यहां। तूने कीमत चुकाई? हाँ, पैसा पैसा। हाँ दिया ना पूरा। क्यों दिया? एक बार भी पूछा कि लड़की की जात क्या है, ईमान क्या है, धर्म क्या है, हिंदू है या मुसलमान? मतलब धर्म ईमान से इसका क्या? और आप जनाब बदनंगे, जात क्या है आपकी? जात मतलब ब्राह्मण हूँ। आपको पता भी है अभी अभी जिसका बिस्तर गर्म करके आए हैं वो जात में क्या है? धर्म भ्रष्ट होने का डर नहीं है आपको? नहीं। और मतलब... क्या है ना जनाब अफसर साहब, हमने भी इनसे कोई पूछताछ नहीं की, जात ईमान धर्म मजहब, बस इन्होंने लड़की पसंद की, कीमत मुकर्रर की और खुशामदीद। क्या समझे? इसमें समझने वाली कौन सी बात है, सभी कोठों में तो जनाब आप जिसे जुबान से कोठा और दिमाग में रंडी खाना सोच रहे हैं ना, ये मेरा घर है, मेरा वतन। यहां कोई हिंदू मुसलमान ऊंची जात नीची जात नहीं है, यहां जिस्म हमारा, मर्जी हमारी और कानून भी हमारा ही चलता है। और आप लोग किस हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात कर रहे हैं पता नहीं, हाँ वो मास्टर बताते रहते हैं, कांग्रेस, मुसलमान लीग, नेहरू, जिन्ना, दिल्ली, कराची, पार्टीसन, ये वो, पर हमारे लिए सब बकवास है, सब बकवास। क्योंकि दिल्ली कराची में बैठा कौन साला क्या तय कर रहा है उसे हमें कोई मतलब नहीं। यही हमारा चूल्हा, यही चौका, यही चौखट, यही कोठी, यही कोठा, और इससे पहले कि कोई हमें यहां से हटाए, हम उसके हाथ पैर और जिस्म का वो क्या कहते हैं पार्टीशन कर देंगे। ए साले अदब से बात कर। ए मार तू भी साले। ए मार तेरे को। ए रख नीचे, मारे को आता है। भाग यहां से। मेहमान, नरमी से जितना कहा जा सकता था हमने कह दिया है, चलो। खुदा हाफिज बेगम जान, एक महीने का वक्त है, सिर्फ एक महीना, समझ गई ना आप? महीना हमें गिनना आता है साहब,
हर बार साला लाल करके जाता है।